हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएनडी हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एफडी और आरडी में क्या अंतर होता है और कौन होता है सबसे बेस्ट, एफडी होती है या फिर आरडी होती है। आज मैं आपको लाइव बताऊंगा कैलकुलेट करके कि कौन होता है सबसे बेस्ट, जो आप लोग भी देख पाएंगे कि कौन होता है सबसे बेस्ट। जो मैं नहीं कहूंगा, आप लोग खुद फैसला ये कर पाएंगे कि बेस्ट कौन होता है। तो इससे पहले आपको बता दें कि आईएनडी हिंदी टेक को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन वाले घंटी पर क्लिक कर दे ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लाइव बताऊंगा कि एफडी और आरडी क्या होता है, क्या अंतर है और कौन है सबसे बेस्ट अपने ज़रूरत के अनुसार से। तो दोस्तों, एफडी मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी का मतलब होता है रिक्वायरिंग डिपॉजिट। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एफडी या आरडी लिखा हुआ है उस पर और मैं आपको बताता हूँ कि कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देती है कितने दिनों में। तो यहाँ पर हम ओपन एफडी पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम एफडी का बात कर लेते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट का। तो यहाँ पर ओपन एफडी पर हमने क्लिक किया है और यहाँ पर हम कुछ अमाउंट डालेंगे जो हमें इन्वेस्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर डिपॉजिट टाइप में हम सेलेक्ट करते हैं रेगुलर और यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल पर हम क्लिक करेंगे ऑन मैच्योरिटी। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट हम सेलेक्ट करते हैं तो 9000 रुपये हम फिलहाल जो है डेमो के तौर पर आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट है। तो 9000 हमने रुपए सर्च कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मंथ में जो हम 6 मंथ देते हैं उसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलेगी और कितना मिलेगी वो सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 6.75% के रेट से हमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलेगी और जब मैं अमाउंट 6 मंथ के बाद निकालूंगा तो यहाँ पर 9306 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 306 रुपये हमें एफडी पर दिए जाते हैं। तो चलिए हम इसे कैंसिल करते हैं और कैंसिल करने के बाद अब बात कर लेते हैं आरडी की। तो यहाँ पर ओपन आरडी पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कितना अंतर है। तो यहाँ पर हम डिपॉजिट अमाउंट में 1500 रुपये एंटर करते हैं क्योंकि 6 महीने में 9000 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि आरडी का मतलब होता है हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना। आप जितना से आरडी खुलवाते हो, मान लो 1000 से, और जितना दिन का आप खुलवाते हो उतना दिन आपको 1000 रुपये प्रति महीना देना पड़ता है। और एफडी का मतलब होता है एक ही बार आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया उतना ही पर इंटरेस्ट आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पर हम 6 महीने सर्च करते हैं फिर से यहाँ पर और देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि 6.75 के हिसाब से यहां भी इंटरेस्ट रेट दिए जाएंगे, लेकिन वही बात करते हैं एफडी में 306 रुपये के आसपास थे और यहां पर 178 रुपये हमें इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, यानी कि एफडी के अनुसार बहुत कम आरडी में दिए जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि एफडी और आरडी में यही फ़र्क है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको सारा अमाउंट एक ही बार देना पड़ता है। मान लो 6 महीने के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया तो आपका प्रथम महीना से 9000 रुपये का ही वहां पर इंटरेस्ट रेट जोड़े जाएंगे और 6 महीने बाद पूरा दे दिया जाएगा। और अगर आरडी की बात करें तो पहला महीना अगर आप 1500 रुपये देते हो तो आपको प्रथम महीना का जो ब्याज होगा वो 1500 का मिलेगा। वही दूसरा महीना आप फिर से 1500 देते हो तो आपको दूसरे मंथ का ब्याज जो होगा वो 3000 रुपये का मिलेगा। अगर थर्ड महीना की बात किया जाए तो फिर आप 1500 रुपये देते हो तो आपको 4500 रुपये की ब्याज मिलेगा, यानी कि पहला महीना आप जितना जमा करते हैं उसी पर ब्याज आता है और दूसरा महीना उसको जोड़ कर दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के आप जो 9000 रुपये अपना कंप्लीट कर पाते हो वो 6 महीने में कंप्लीट कर पाते हो आरडी के अनुसार, और एफडी के अनुसार आप पहले महीने से 9000 रुपये कंप्लीट कर देते हो, इसलिए आपको जो है एफडी में कुछ ज़्यादा अमाउंट मिलती है। दोस्तों, अगर आपको अमाउंट वहाँ पर आपके पास अवेलेबल है तो आप एफडी ही खुलवाइए, आरडी मत खुलवाइए, क्योंकि आरडी में जो है आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलेंगे। और यदि आपको आरडी ओपन करना है, आप चाहते हैं कि हमें 1000 रुपये बचत होती है जो मैं चाहता हूं कि हर महीने जमा करूं आरडी के तौर पर, तो आप आरडी में जमा कर सकते हो लेकिन इसका इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे अनुसार से जो है को बताना चाहूंगा कि आपके पास यदि पैसा है तो आप एफडी में ही कन्वर्ट कीजिए, आप जितना भी करना चाहते हैं एफडी ही खुलवाइए और आरडी मत खुलवाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, हर महीने आपको 500 रुपये 1000 रुपये ऐसे आते हैं, तो उसके अनुसार से आपके लिए आरडी बेटर रहेगा। लेकिन नॉर्मली आप बैंक अकाउंट में अगर पैसा रखते हो तो 6.75 के हिसाब से भी आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग डिसाइड कर ले कि एफडी या फिर आरडी खुलवाना है तो इन दोनों में से आप सेलेक्ट करके एफडी या आरडी खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ अंतर जो एफडी और आरडी में था। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने आपको बताया कि कौन है सबसे बेस्ट और आप लोग खुद अपने दिमाग में ये फैसला कर ले कि कौन आपको सबसे बेस्ट लगा और हमें भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको एफडी अच्छा लगा या फिर आरडी अच्छा लगा। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, गुड बाय।